दोस्तों, अगर आप अपने सपने में मरी हुई गाय को देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला सपना माना गया है। साथ ही ये सपना आपको एक चेतावनी देने का भी काम करता है, क्योंकि आपको अपने भविष्य में घटने वाली बुरी घटना के बारे में इस सपने के द्वारा पहले ही पता चल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब आपको अपने सपने में मरी हुई गाय दिखाई दे जाती है तो उससे आपको भविष्य में बुरी घटनाएं घटने का अंदेशा पहले ही पता चल जाता है। स्वप्न शास्त्र में उसके लिए भी आपको उपाय बताया गया है, जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने सपने का सही मतलब जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में मरी हुई गाय दिखाई दे जाती है तो ये सपना आपके लिए अच्छा नहीं माना गया, ये सपना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि भविष्य में आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत घटनाएं घटने वाली है, जैसे आपको बहुत ही ज्यादा धन की हानि होने वाली है, आप कर्जे में डूब सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर हमेशा ही विपत्ति का साया बना रहेगा, आपको अपने घर परिवार के साथ हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव बना रहेगा और ये झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ भी सकता है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो सकता है, या फिर आप उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, यहाँ तक कि आपकी डाइवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। आप जिस भी कार्य को करने की ठान लेंगे उस कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमेशा ही गलत होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आप इस सपने को देखने के बाद कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो वो वाहन आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। दोस्तों, इस सपने को देखने के बाद आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए, आपको अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना तो करनी ही चाहिए, साथ में भगवान शिव को भी प्रसन्न करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको गौ माता को अपने हाथों से भोजन जरूर कराना चाहिए, जिसमें आपको नमक की रोटी और गुड़ गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए। इन उपायों की वजह से आपके ऊपर इस सपने का जो भी दुष्प्रभाव भविष्य में पड़ने वाला है वो समाप्त हो जाएगा।